हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि योर मैथ टीचर। गाइस अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि डेली अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 7। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है जिसपे डी एक पॉइंट है और ई एक पॉइंट है। सच दैट, और इस तरह से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी। तो मैंने आपको यहाँ पे डी बी सी को ब्लैक कलर से हाईलाइट किया हुआ बॉर्डर बनाई हुई है और जो ई बी सी है उसको पिंक कलर की बॉर्डर बनाई हुई है। तो आपको इजीली यहाँ पे दिख रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो प्रूव दैट डी ई पैरेलल बी सी। तब हमें क्या प्रूव करके बताना है कि डी ई बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो दो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है क्वेश्चन के अंदर कि दोनों ही ट्राइंगल का बेस सेम है। इसमें भी बी सी है और दूसरे वाले ट्राइंगल में भी बी सी है। देखो इसमें भी बी सी है और इस वाले ट्राइंगल में भी बी सी है। तो दोनों का बेस सेम है, दोनों का एरिया भी आपको सेम है। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया भी दोनों सेम है। तो ऐसी हमारे पास कोई थ्योरम नहीं होती है कि जिससे कन्वर्स ऑफ, जो हमारी ये थ्योरम है कि दो ट्राइंगल जो कि सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल में होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। तो इसी थ्योरम की आपके पास कोई कन्वर्स थ्योरम नहीं है कि दो ट्राइंगल जिसका बेस सेम और एरिया सेम है तो वो सेम पैरेलल में बिटवीन लाई करेगी। तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम इसकी कुछ नहीं है। बट इसकी जगह हमें एक पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम और एरिया सेम है तो उनके जो एल्टीट्यूड्स होंगे यानी जो उन दोनों ट्राइंगल की हाइट होगी वो भी यहाँ पे क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर तीन चीज हो जाती है, बेस सेम, एरिया सेम और उनके एल्टीट्यूड भी सेम है, तब दोनों ट्राइंगल के जो पैरल्स होंगे वो दोनों ट्राइंगल सेम पैरल के बिटवीन लाई करेंगे। तो वो क्यों, तो आप यहाँ देखो ये दो मेरी लाइन्स है। अगर इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट देखें, यहाँ से यहाँ तक की हाइट देखें, यहाँ यहाँ पर डिस्टेंस देखो, तो अगर ये सेम है, यहाँ पर डिफरेंस आपका 2 सेंटीमीटर का, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 2 का है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हर पॉइंट पे अगर 2 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे हाइट है यानी कि सेम आपके यहाँ पे एल्टीट्यूड से, तो दोनों लाइंस आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। क्योंकि अगर इसको मैं और आगे आगे बढ़ाऊंगी तो ये दोनों कहीं कभी भी नहीं मिलेगी और एवरी पॉइंट पे इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर दोनों ट्राइंगल के एल्टीट्यूड सेम है, दोनों के हाइट सेम है, तो वो लाइन्स आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अब इसको राइट कैसे करके बताना है तो वो देखो। तो हमने गिवन राइट कर लिया कि एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है जहाँ पे डी ई आर पॉइंट्स है ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी। तो यहाँ पे डी और ई पॉइंट्स ऐसे हैं, एरिया इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ आप यहाँ पे देखो, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ई बी सी आर लाइंग ऑन अ कॉमन बेस बी सी। दोनों का कॉमन बेस बी सी है एंड हैव इक्वल एरियाज, दोनों के एरिया भी इक्वल है, देयर फॉर देयर एल्टीट्यूड्स मस्ट बी सेम। तो दोनों के एल्टीट्यूड्स भी सेम होंगे। अब कैसे होंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे क्या करो, दोनों ही ट्राइंगल के परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो। तो ये हमने इसका हाइट ड्रॉ कर लिया, ये इसका हाइट ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर है तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हमेशा जो आप परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे वो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो पहले वाले ट्राइंगल के लिए जो हाइट उसको हम H1 ले लेते हैं, दूसरे वाले के लिए H2 ले लेते हैं। अब जो आपको गिवन है हम वहां से राइट कर देते हैं। तो पहले यहां लिख लेते हैं ड्रॉ H1 परपेंडिकुलर टू BC एंड H2 परपेंडिकुलर टू BC। तो अब आपको यहां पे क्या गिवन है, गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी। तो आपका यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और यहाँ पे भी होगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। ये चीज़ आप प्रूव करोगे तब भी ठीक है, नहीं वहाँ पे राइट करते हो तब भी ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लिख भी सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो, ये हाफ हो गया, बेस दोनों का बेस कौन है, यहाँ पे बी सी हो गया, इसकी हाइट हमारी H1 हो गई, और ये हो गया हाफ, इसका भी बेस आपका बी सी है, पिंक वाले ट्राइंगल का भी बेस आपका बी सी है, और हाइट यहाँ पे आपकी कितनी H2 हो गई। तो इक्वल के दोनों तरफ अगर सेम नंबर है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो हाफ से आपका हाफ कैंसिल हो गया, बी सी से आपका बी सी कैंसिल हो गया। तो ये हो गया आपका H1 इक्वल टू H2, यानी कि दोनों के एल्टीट्यूड हमने यहाँ प्रूव करके बता दिए कि इक्वल है। जितनी इसकी हाइट है, अगर इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है तो इस ट्राइंगल की हाइट भी 5 सेंटीमीटर है। और ये जो आपका लॉजिक है मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था, तो अगर सेम डिस्टेंस है तो दोनों लाइंस आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ई बी सी बोथ हैव इक्वल
altitudes. So the triangles. So the triangles must lie between the same parallels. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? So DE is parallel to BC. इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था, इतना सा और लिख लेंगे तो थोड़ा सा हमारा प्रूफ बड़ा हो जाएगा. बाकी आप सीधे स्टेटमेंट से भी यहाँ पे राइट कर सकते हो कि दोनों का बेस कॉमन है और एरिया इक्वल है, तो उनके एल्टीट्यूड भी सेम होंगे, क्योंकि उनका बेस सेम है, एरिया इक्वल है और एल्टीट्यूड भी सेम है, इसलिए दोनों सेम पैरेलल के बिटवीन में लाई करेंगे. तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ भी करके बता दी कि एल्टीट्यूड कैसे इक्वल है. तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया. अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. तो जब भी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी साइड किसी के साइड के पैरेलल प्रूफ करने को आती है, तो आपको इसी तरह से प्रूफ करके बताना है. तो इससे जस्ट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, वहाँ पर भी हमने बिल्कुल एज इट इज़ ए प्रूफ किया था. थैंक यू.